छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी दो सूत्री मांग 34% महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के 7वां वेतन आयोग के अनुरूप गृह भाड़ा देने को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के हड़ताल में चले जाने से सभी सरकारी कार्यालय में तालाबंदी की स्थिति हो गई है। वहीं पूरे जिले के स्कूल कॉलेज बंद है। सरकारी कामकाज बंद होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर फेडरेशन के लोग लोहिया चौक पर हड़ताल पर बैठे हैं। फेडरेशन के जिला संयोजक का कहना है कि अभी हम लोग 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 3.5 साल का समय निकल चुका है, धैर्य की सीमा टूटती जा रही है। ये सरकार का विश्वास खत्म हो गया और इसके बाद में अपने मांगों को लेकर के उनके द्वारा ये जो कलम बंद और जिस प्रकार से हड़ताल किए हैं, हम उन मांग का समर्थन करते हैं, उनकी जायज मांगे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी डाली है, डीए दे नहीं पा रही है। 34% केंद्र के हैं, ये मुश्किल से 17 और 22 तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद में जो आश्वासन दिए गए, इनकी आश्वासन अधूरी रही। आज हम सदन में चाह रहे थे कि इस पर चर्चा हो और चर्चा करके उनके मांगों के ऊपर में सरकार विचार करे, लेकिन सरकार ने उसको ग्राह्य नहीं किया और इस प्रकार से प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरे जनता जहां पर लोग आ रहे हैं, हड़ताल होने के कारण में सारे प्रशासन ठप हो गया है, सरकार की गतिविधियां समाप्त हो गई है। मैं समझता हूं पहला अवसर है, ये सरकार धोखेबाज निकले, ये सरकार निकम्मी निकली और ये सरकार उनके साथ में वादा खिलाफी किया है।